हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की स्पिन ऑफ फिल्म हब्स एंड शॉ के बारे में, जिसे लेकर कुछ अपडेट आए हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हब्स एंड शॉ फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस का एक स्पिन ऑफ है, जिसे लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चली और इसी फिल्म की वजह से फास्ट एंड फ्यूरियस की बाकी पार्ट्स की शूटिंग रोक दी गई, क्योंकि ड्वेन जॉनसन और जेसन स्टेटम के अलावा फिल्म के और कोई भी मेंबर नहीं चाहते कि इस फिल्म की अभी कोई स्पिन ऑफ आए, क्योंकि फिलहाल तो फैंस इस फिल्म की सीरीज के पूरी तरीके से पागल है और दिन ब दिन इस फिल्म की सीरीज कमाई के मामले में हर एक फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। और ऐसे में स्टूडियो तो ये नहीं चाहेगा कि बस फास्ट एंड फ्यूरियस के दो और पार्ट बनाकर सीरीज को कर दिया जाए पूरी तरीके से खत्म। तो यहाँ पर स्टूडियो ने स्पिन ऑफ का दिमाग लगाया है। वैसे तो बाकी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज की डिटेल के लिए आप जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस फिल्म को लेकर क्या कॉन्ट्रोवर्सीज चली थी, जिसके बाद फिल्म के तीन बड़े एक्टर में झगड़ा हो गया था। एक थे टायरी गिब्सन, जिनका झगड़ा सीधे सीधे ड्वेन जॉनसन से हुआ था, क्योंकि ड्वेन जॉनसन को फिलहाल तो कोई स्पिन ऑफ फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था जब तक फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज को खत्म नहीं कर लिया जाता। और उसके बाद इन दोनों एक्टर के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए बीच में आए थे विन डीजल, लेकिन फिर कुछ रूमर्स आए कि ड्वेन जॉनसन और विन डीजल के बीच भी फाइट हुई थी, और अब इसी वजह से फिल्म के बाकी के पार्ट को डिले कर दिया गया। लेकिन स्टूडियो यहाँ पर अपना प्रॉफिट देखेगा, इसलिए उसने जिस रिलीज डेट पर फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसी रिलीजिंग डेट पर हब्स एंड शॉ फिल्म की रिलीज डेट को सेट कर दिया, यानी वो डेट थी 19 अप्रैल 2019। लेकिन फिल्म में कुछ रीशूट किए गए, जिस वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को फिर से चेंज किया गया, और अब इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट है 2 अगस्त 2019। वेल, इसी के साथ साथ फिल्म के लीड एक्टर ड्वेन जॉनसन ने अब इस फिल्म का टाइटल भी अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म का टाइटल रखा गया है फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हब्स एंड शॉ, जिसे सुनने के बाद डेफिनेटली हमारे इंडिया में तो काफी सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि अगर ये फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म है तो फिल्म की बाकी कास्टिंग कहाँ गई। खैर, वो तो बात की बात है, जब इस फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज किया जाएगा वो बात हमें तब पता चल जाएगी। तो अब इन सभी बातों को साइड में रखकर बात करते हैं फिल्म की दो और नई इमेजेस पर, जिसे देखकर डेफिनेटली ये लगता है कि फिल्म का ट्रेलर ऑलरेडी रेडी है और आने वाले कुछ दिनों में हमें फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर नजर आ सकता है, क्योंकि जब फिल्म के फर्स्ट लुक इमेजेस को रिलीज किया गया है तो फिर ट्रेलर काफी ज्यादा करीब है। खैर, इस फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कि हब्स एंड शॉ दोनों मिलकर काम करने वाले हैं किसी बड़े विलन को रोकने के लिए, और दूसरी इमेज भी हमें यही दिखाती है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि इस फिल्म के मेन विलन इद्रिस एल्बा है, और इसी के साथ साथ लीजा को भी इस फिल्म में एड किया गया है, लेकिन उनके रोल की डिटेल फिलहाल तो अभी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लीजा इस फिल्म में मैडम एम का रोल करने वाली है, और वो एक हिसाब से इद्रिस एल्बा यानी ब्रिटक्स की साइड किक होगी। और वही बात करें वैनिसा कोबी की, तो वैनिसा कोबी के रोल को भी कंफर्म कर दिया गया है कि वो इस फिल्म में रोल करने वाली है हेटी शॉ का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने यहाँ पर हेटी शॉ कहा, यानी वैनिसा का कैरेक्टर इस फिल्म में जेसन स्टेटम की बहन है, जो ज्यादातर तो हमें इमेजेस में ड्वेन जॉनसन यानी हब्स के साथ ही नजर आई। खैर, तो बाकी की डिटेल फिल्म के टीजर या फिर ट्रेलर आने के बाद करेंगे, क्योंकि इमेजेस को देखकर अब ज्यादा अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस फिल्म का डायरेक्शन काफी लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डेविड लीची को हायर किया गया है, जिन्होंने इसके पहले डेडपुल 2 और जॉन विक 1 फिल्म बनाई थी। तो आप इन दोनों फिल्मों से यह अंदाजा लगा लीजिए कि डेविड लीची का डायरेक्शन कैसा होगा इस फिल्म में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हब्स एंड शॉ को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।